हेलो स्टूडेंट्स मैं आ जैन आपकी कंप्यूटर टीचर आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बुक सेवन का चैप्टर सेवन मोर ऑन एस टी एम एल फाइव इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे एस टी एम एल के बारे में उनके टैक्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में हमारी मार्जिन प्रॉपर्टीज के बारे में टैक्स प्रॉपर्टीज के बारे में हमारी बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेवन देखते चैप्टर सेवन मोर ऑन एस टी एम एल फाइव आई एम इसका कट चैप्टर मोर ऑन आइए हम इसका ओवरव्यू स्टेशन देखते हैं जिसके अंदर इस चैप्टर के मेन कंटेंट्स हैं जिनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे व्हाट इज एस टी एम एल एस टी एमएल स्ट्रक्चर एलिमेंट टैग एंड एट्रीब्यूट टेक्स्ट प्रॉपर्टीज बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज फॉन्ट प्रॉपर्टीज मार्जिन प्रॉपर्टीज आइए हम इसका एक बार वार्म अप स्टेशन एक्सरसाइज देख लेते हैं

Uh, ins, हमारा इंसर्टेड टेक्स्ट को मार्क हमारा क्या मार्क टेक्स्ट को देन हमारा सुपर एस हमारा क्या करेगा सबस्क्रिप्ट को करेगा हमारा सुपर स्क्रिप्ट को करेगा ये हमारा नेक्स्ट हमारा ये करेगा सबस्क्रिप्ट को नेक्स्ट हमारा आई करेगा हमारे डायरेक्ट टेक्स्ट को आगे देखते हैं हम वॉट इज एस टी एम एल एस टी एम एल हमारा क्या है

रोल्स ऑफ एस टी एम एल इन वेब डेवलपमेंट जो रोल होता है एस टी एम एल को वेब डेवलपमेंट में क्या है हमारा एस टी एम एल इज द बैक बोन ऑफ द वेब डेवलपमेंट इट डिफाइन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ पेजेज सर्विंग एज अ द फाउंडेशन अपन विच अदर टेक्नोलॉजी सच एस सी एस एस एंड जावर स्क्रिप्ट बिल्ड ठीक है एस टी एम एल क्या होता है बैक बोन है वेब डेवलपमेंट के इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं इसको यूज करके हम इसके अंदर जावर स्क्रिप्ट सी एस एस को यूज करके बहुत अट्रैक्टिव क्या बना सकते हैं वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं नेक्स्ट देखते हैं एस टी एम ए स्ट्रक्चर एलिमेंट्स टैग एंड एट्रीब्यूट्स यहाँ पे हम एस टी एमल के स्ट्रक्चर एलिमेंट्स और टैग एट्रीब्यूट्स के बारे में जानते हैं एन एस टी एम एक्यूमेंट कंसिट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग एस टी एम एल टैक विच एक्लोज ऑल द कंटेंट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एस टी एम एल डॉक्यूमेंट इनक्लूड्स डॉक टाइप एस टी एम एल हेड एंड बॉडी एलिमेंट्स देखिए अगर हम HTML डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो HTML के अंदर हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग HTML टैग होता है जो इसके अंदर हमारे और कंटेंट्स के होते हैं जैसे इसके स्टार्टिंग हमारे डॉक टाइप से होती है देन हम HTML given करते हैं देन हेड टैग यूज करते हैं देन बॉडी एलिमेंट को हम यूज करते हैं आइए नेक्स्ट देखते हैं HTML डॉक्यूमेंट्स आर मेड अप ऑफ वेरियस एलिमेंट्स एलिमेंट्स आर इन टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स फॉर एक्जाम्पल पी इज द ओपनिंग टैग और पैराग्राफ एलिमेंट्स एंड द पे इज द क्लोजिंग टैग Tag HTML uses tags and attribute to define the elements and their properties within a web pages.

एस टी एम एल डॉक्यूमेंट आर टेक्स्ट फाइल्स विद एस टी एम एल और एस टी एम एक्सटेंशन जो एस टी एम एल के अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं टेक्स्ट फाइल हम क्रिएट करते हैं वो हम उसके एक्सटेंशन हमारी डॉ एस टी एम एल या डॉ एस टी एम होती है आई हम एस टी एम एल टेक्स की बात करते हैं एस टी एम ए टेक्स आर यूज टू एनक्लोज कंटेंट एंड प्रोवाइडिंग मीनिंग टू इट फॉर इंस्टांस द एच वन द यूज टू क्रिएट अ टॉप लेवल हेडिंग्स एंड द पी टैग डिफाइंस द पैराग्राफ देखिए अगर हम एस टी एम एल की बात करें तो एस टी एम एल के अंदर हम क्या करते हैं इसके अंदर हम एच वन हेडिंग्स वगैरह यूज करके इसके अंदर हम टैग्स दे देते हैं पी टैग इसके पैराग्राफ के लिए हम देते हैं यहाँ पे कुछ हम कॉमन एस टी एम एल को देख लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन एस टी एम की हम बात करते हैं यहाँ पे देखते हैं उनको एच वन जो होता है मैं रिप्रेजेंट द हाइएस्ट लेवल हेडिंग्स जो हमारा क्या होता है एच वन होता है जो सबसे टॉप मोस्ट पे हाईएस्ट लेवल हेडिंग होती है उसको इंडिकेट करने करता है ये वाला टैग उसके लिए यूज़ होता है पी डिफाइन सा पैराग्राफ जो पी टैग होता है हमारे पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए काम आता है ए क्रिएट सा हाइपर लिंक् ए जो होता है हमारे हाइपर लिंक्स को क्रिएट करने के लिए काम आता है आई एम जी एम्बेडेड एम्बेड्स इमेजेस जो आई एम जी टैग होता है वो हमारे इमेज को क्या करता है एड करने के लिए काम आता है आई नेक्स्ट बात करते हैं एट्रीब्यूट की बात करते हैं एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स दे आर प्लेस्ड विद इन द ओपनिंग टैग एंड आर रिटन एज नेम वैल्यूज फेयर सच एज एच आर ई एफ एसटीव डब्ल्यू एग्जाम डब्ल्यू एग्जाम्पल डॉट कॉम इन एन एंकर ए टैग

स दलूडर टू स्पेसिफाई दू आर एल द हाइपर लिंक पॉइंट टू देखिए यहाँ पे जैसे हमारा एट्रीब्यूट है हमारा एट्रीब्यूट क्या होता है डिफाइन कर देता है कि हमारे क्या जो हमारे बना रहे हैं वो क्या हमारा हाइपर लिंक हम इसके अंदर क्रिएट कर रहे हैं चलिए यहाँ पे हम उसको देखते हैं इसके यहाँ एक प्रोग्राम देखते हैं उसका आउटपुट देखते हैं यहाँ पे डॉक टाइप एस टी एम एल एस टी एम एल है टाइटल हमने गिवन किया देन हमने बॉडीज को बंद करा हमने एच वन करा यहाँ पे हेडिंग स्पेसिफाई करा पी क्या थ्रू हम क्या करते हैं पैराग्राफ हमने डिफाइन करा देन हमने इसको क्लोज करा तो जब हम इसको रन करेंगे तो रन करने के बाद हमारा इस तरीके से क्योंकि वेलकम टू माई पेज वेब पेज कैसा आएगा हमारा आउटपुट क्योंकि हेडिंग वन है पैराग्राफ के रूप में हमारा क्या है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द एस आइए हम इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक बार एस टी एम एल प्रोवाइड्स बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन हेर आर सम्पल एस टी एम एल जो होता है हमारे फाइव क्या होता है बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमें प्रोवाइड करते हैं उसके कुछ हैं आप एट्रीब्यूट्स और डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम जो बी होता है वो हमारा क्या कर देते हैं मेक्स टेक्स्ट बोल्ड अगर हमें कहीं पे भी टेक्स्ट को बोल्ड करके दिखाना है तो हम इसको बी यूज करता है आई जो होता है हमारे रेंडर टेक्स्ट इन इटैलिक्स ये हमारा क्या करता है टेक्स्ट को इटैलिक में करके दिखाता है कन्वर्ट यू हमारा करता है अंडरलाइन टेक्स्ट टेक्सट हमारे टेक्स्ट को अंडरलाइन करके दिखाता है बी आर क्रिएट्स लाइन ब्रेक है हमारा क्या करता है लाइन्स को ब्रेक करने का ये हमारा काम करता है कलर्स की अगर हम बात करें सेट द टेक्स्ट कलर या कलर के टेक्स्ट को सेट करने के लिए काम करता है साइज की बात करें स्पेसिफाइज द फोन साइज हमारे साइज को क्या करता है उसको स्पेसिफाई करता है साइज को अलाइन की बात करें अलाइन टेक्सट लेफ्ट सेंटर राइट या क्या करता है हमारे टेक्स्ट को लेफ्ट या साइड सेंटर या राइट क्या करता है अलाइन करता है आइए हम इसका स्टेशन देख लेते हैं। सिमेंटिक मार्कअप गिव्स मीनिंग टू देता है एडिंग एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको हम एस कहते हैं हम इसकी देख देखते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं एस एलिमेंट्स लाइक बॉडी डिव एंड टेबल कैन बी यूज टू कंट्रोल बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज इंक्लूंग द बैग्राउंड कलर एंड इमेजेस हेय आर सम एक्साम्पल देखिए एस टी एम एल के अंदर हम कहते हैं कुछ टेक्स होते हैं जो हमारी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के लिए यूज होते हैं जैसे हमारा बॉडी हो गई डिवीजन हो गए टेबल हो गए जिससे हम इसको यूज करके हम अपनी बैकग्राउंड को क्या बना सकते हैं इंपॉर्टेंट और एट्रैक्टिव बना सकते हैं उनको देखते हैं हम उनके एट्रीब्यूट देखते हैं देन डिस्क्रिप्शन देखते हैं बीजी कलर डिफाइनज बैकग्राउंड कलर ये क्या करता है हमारी बैकग्राउंड कलर को क्या करता है डिफाइन करता कि है कि बैकग्राउंड क्या लेनी है हमें अपने ऊपर उसके वेब पेजेस कलर की कौन सी बैकग्राउंड लेनी है बैकग्राउंड स्पेसिफाई द बैकग्राउंड इमेज यू आर एल ये क्या करता है जो भी जैसे बैकग्राउंड यू आर एल होती है कोई पिक्चर्स होते हैं कुछ होते हैं बैकग्राउंड में अगर हम इंसर्ट करना है तो हम इस बैकग्राउंड से उसको यू आर एल को लेकर उसको इंसर्ट कर सकते हैं आई नेक्स्ट देखते हम इसकी फॉन्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं फॉन्ट प्रॉपर्टीज कैन बी डिफाइंड इन एस टी एम एल यूजिंग द फोन टैक् ऑल्सो इट इज कंसिडर्ड आउटडेटेड हेर आर सम सम्पल्स ठीक है जो फॉन्ट प्रॉपर्टी होती है वो हमारी क्या डिस्क्राइब करती है कि हमारे कौन सा फॉन्ट हम कैसे लेना चाहें उसका साइज पोन्ट स्टाइल कलर फेस वगैरह हम इसके थ्रू दे सकते हैं उसका हम एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखते हैं साइज होता है सेट साइज ये फोन के साइज को सेट करने के लिए काम आता है स्टाइल फॉर टेक्स स्टाइल टेक्स्ट के अंदर हमारा क्या होता है स्टाइल सेट करने के लिए काम आता है आइए नेक्स्ट है, 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 है। देखते हैं हम मार्जिन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं एस टी एम एल एट्रीब्यूट कंट्रोलिंग अराउंड एलिमेंट दीज लिमिटेड कम्पेयर टू सी एस एस फॉर आर सम एक्साम्पल्स हम अगर इसके अंदर मार्जिन की बात करें है इसके अंदर गिवन कर सकते हैं यहाँ पे कुछ ले आउट जिनको यूज करके मार्जिन को ऐड कर सकते हैं एट्रीब्यूट देखते हैं उनके और डिस्क्रिप्शन देखते हैं मार्जिन होता है सेट का मार्जिन अराउंड एन एलिमेंट ये क्या करता है एलिमेंट्स के अराउंड में मार्जिन को सेट करने के लिए यूज होता है पैडिंग की बात करें डिफाइंस स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द एलिमेंट्स बॉर्डर ये क्या करता है कंटेंट और एलिमेंट्स बॉर्डर के बीच में क्या करता है स्पेस को डिफाइन करता है हमारा बॉर्डर की बात करें स्पेसिफाई द बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट एलिमेंट ये क्या करता है एलिमेंट्स के बॉर्डर को डिफाइन करने के लिए काम आता है सेल पैडिंग की बात करें पैडिंग विद इन टेबल सेल्स ये क्या करते हैं उसकी पैडिंग कितना गैप आएगा उनके बीच में सेल स्पेसिंग क्या करता है हमारा कंट्रोल द स्पेसिंग बिटवीन द टेबल सेल्स ये टेबल्स की सेल्स के बीच में स्पेसिंग को डिफाइन करता है आईनेक्स देखते हैं हम इसका स्टेशन एक बार देख लेते हैं मैथ द फॉलोइंग मार्जिन रिलेटेड एट्रीब्यूट विद डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमारे सामने कुछ एट्रीब्यूट है मैच करना है हमारे सबसे पहले मार्जिन मार्जिन क्या करता है बॉर्डर हमारे क्या कहते हैं बॉर्डर विथ विथ फॉर द टेबल एलिमेंट नेक्स्ट सेल स्पेसिंग द पैडिंग इनसाइड द टेबल

HTML does not have the ability to create a complex program like other programming language like Java, Python or C++. देखिए जो एस टी एम एल उसके अंदर इतनी कॉम्प्लेक्स एक्सेबली वो क्या करता है प्रोग्राम्स नहीं क्रिएट कर सकते जैसे हमारे हम प्रोग्राम क्रिएट कर सकते Java, Python, C++ हैं जावा पाथन सी प्लस प्लस के अंदर सिंपल हमारी सिंपल uh, क्या होते हैं मैं टैग बेस्ड लैंग्वेज होती है एस टी एम एल इज एन ओपन स्टैंडर्ड विच मीस दैट एनी वन कैन यूज इट टू क्रिएट वेब पेज इट इज नॉट ऑन बाई द एनी कंपनी सो इट कैन भी यूज विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन दिस मेक इट इजी फॉर डेवलपर्स टू क्रिएट वेबसाइट विदाउट हैविंग टू वरी अबाउट लाइसेंसिंग फीस देखिये एस टी एम एल क्या है हमारी एक ओपन स्टैंडर्ड क्या है हमारी लैंग्वेज है जिसको कोई भी कहीं भी एक्सेस कर सकता है इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होती कोई लाइसेंस की कोई नीड नहीं होती इसलिए डेवलपर्स के लिए बहुत अच्छी इजीली एक्सेसिबल होती है वो उसको यूज करके बहुत इजीली फ्रीली क्या कर सकते हैं वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं In 2016, in 2006, the World Wide Web Consortium recognized the need of a renewed version of Hypertext Markup Language. They decided to work with the Web Hypertext Application Technology Working Group of created the newest version of HTML, which is known as referred to as a HTML5. देखिए इन टू थाउजेंड सिक्स के अंदर जो वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्टेन ने रिकॉग्नाइज किया एस टी एम एल के बारे में कि कितनी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है तो उन्होंने इसको एक रिन्यू नाम किया रिन्यूज के अंदर कुछ फीचर्स को ऐड करके इसको रिन्यू करके तरीके से एक लैंग्वेज को क्या करा लॉन्च किया एस टी एम एल फाइव इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एसटीमल एंड इट्स मेजर वर्जन ऑफ एस टी एम एल स्टैंड इट सपोर्ट्स न्यू फीचर्स सच एज ऑडियो एंड वीडियो एलिमेंट्स ड्रैग एंड ड्रॉप जियोलॉजिकल लोकल स्टोरेज एंड वेब एस टी एम एल फाइव इज डिजाइन टू बी आर मोर सीमेंटिकीवियस वर्जन मेकिंग इट इजियर फॉर डेवलपर टू क्रिएट वेल स्ट्रक्चर वेब पेजेस देखिए एस टी एम एल फाइव जो है लेटेस्ट वर्जन है इसका फिफ्ट वर्जन है ये हमारी एस टी एम एल के इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं ऑडियो वीडियो ड्रैग एंड ड्रॉप लोकल स्टोरेज वगैरह हम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं ये प्रीवियस वर्जन से क्या है बहुत ज्यादा ईजियर और बहुत ज्यादा डेवलपर वेल स्ट्रक्चर्ड वेब पेजेस के थ्रू तो हम कहते हैं क्रिएट कर सकते हैं आइए हम इसका एक बार बैकअप स्टेशन देखते हैं जितना भी अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है उसके यहाँ पर रिविजन से देख बार उनको कर लेते हैं एस टी एम एल हाइपर टेस्ट मार्कअप लैंग्वेज इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज टू क्रिएट एंड स्ट्रक्चर कंटेंट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब देखिए जो एस टी एम एल है वो हमारे हाईपर टेक्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं क्रिएट कर सकते हैं स्ट्रक्चर कंटेंट कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड वेब का इट प्रोवाइड्स अ वे टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज ये हमें क्या करते हैं स्ट्रक्चर वेब पेज का क्या करती है प्रोवाइड करती है डिफाइन करती है स्ट्रक्चर हम किसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं एस एचटीएमएल डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग एचटीएमएल टैग व्हिच एनक्लोजेस ऑल द कंटेंट्स एचटीएमएल के अंदर हम क्या कर सकते हैं ये इसके अंदर हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग कर सकते हैं उनको और सारे कंटेंट को इंक्लूज कर सकते हैं द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट इंक्लूड डॉक टाइप एचटीएमएल हेड एंड बॉडी एलिमेंट्स देखिए जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारा एस टी एम एल डॉक्यूमेंट का वो हमारा क्या होता है डॉक टाइप एस टी एम एल है और बॉडी के इसके बेसिक स्ट्रक्चर में गिवन किए जाते हैं तो हम कॉमन प्रॉपर्टीज प्रोवाइडेड बाय एस टी एम एल बैग्राउंड टेक्स फॉन्ट एंड मार्जिन देखिए जो कॉमन प्रॉपर्टीज एस टी एम एल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है जैसे बैकग्राउंड टेक्स्ट और फॉन्ट और मार्जिन है चलिए इसका एक्सरसाइज स्टेशन देखते हैं डार्क अन द करेक्ट ऑप्शन इन इन ओ एम आर शीट यहाँ पे हमारे सामने क्या है कुछ ऑप्शन की भी है जो हमें ओ एम आर शीट पर क्या करना है डार्क करना है जिनको चलिए उनको देखते हैं वॉट डज एस टी एम एल स्टैंड फॉर जो एस टी एम एल होता है वो किस लिए हमारे स्टैंड होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है हमारी ऑप्शन है, है हमारे सामने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हाई टेक्नोलॉजी मॉडर्न लैंग्वेज हाइपर ट्रांसफरेबल मल्टीमीडिया लैंग्वेज हाइपर लिंक टेक्स्ट मैनेजमेंट लैंग्वेज यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज

बॉडी बैकग्राउंड पेज हमारा कलर जो हमारा जो पूरी डिफाइन करता है बैकग्राउंड कलर को एंटायर वेब पेजेस के ऊपर वो हमारा क्या है बैकग्राउंड है एट uh, हमारा टैग है हमारा बॉडी टैग जिसके थ्रू हम कर सकते हैं क्योंकि बैकग्राउंड इज अ एट्रीब्यूट विच एस्टीमे टैग इज यूज टू मेक टेक्स्ट बोल्ड कौन सा है जो टैग होता है जो हमारे टेक्स्ट को क्या करता है बोल्ड करने के लिए काम करता है हमारा स्ट्रॉन्ग बी ई एम आई जो हमारा होता है वो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर हमारा बोल्ड टैग आगे देखते हैं। आगे देखते हम हम आगे फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड यहाँ पे हमारे सामने कुछ वर्ड की जिनको यूज करके हमें ब्लैंक्स को फिल करना चलिए उनको देखते हैं हम प्रोवाइड द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ अ वेब डॉक्यूमेंट्स ये हमारे क्या करते हैं वेब डॉक्यूमेंट्स को कंटेंट हमारे प्रोवाइड करता है नेक्स्ट देखते हम

द ब्लैंक एट्रीब्यूट डिफाइन द मार्जिन अराउंड एन एलिमेंट्स कौन सा एट्रीब्यूट होता है जो मार्जिन को एलिमेंट्स के चारों तरफ डिफाइन करने के लिए काम आता है वो होता है हमारा मार्जिन एट्रीब्यूट नेक्स्ट देखते हैं राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स यहाँ पे हमारे सामने कुछ स्टेटमेंट गिवेन है जो हमारी सही स्टेटमेंट है उसके आगे हम टी लिखेंगे जो स्टेटमेंट हमारी गलत है उसके आगे हम एफ लिखेंगे टू मार्क एलिमेंट इन डॉक्यूमेंट जो HTML होता है वो को use करता है वो को यूज करता एलिमेंट्स को मार्क करने के लिए हमारा वो क्या करता है हमारा डिफाइन करने के लिए काम आता है ना कि मार्क करने के लिए फॉल्स एस्टिमल टेक्स फॉर टेक्स फॉर्मेटिंग कंट्रोल द स्टाइल ऑफ टेस्ट जो एस्टीमल टैग होता है वो टेक्स को फॉर्मेटिंग करने के लिए काम आता है स्टाइल ऑफ टेक्स के ट्रू